श्री कृष्ण, ये तो पूजा कर रहा है। सर 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 सर, आप बीच में क्यों खड़े थे? अरे डोर का हैंडल ठीक है या नहीं चेक कर रहा था। आप ठीक तो है ना सर? बहुत अच्छे। मेरा नाम वेंकटेश है। आई एम पेरिस प्रसाद, ग्लैड टू मीट यू। सर आपको कुछ महसूस हुआ क्या? तुम्हें महसूस हुआ क्या? आपसे हाथ मिलाते समय कुछ महसूस हुआ लेकिन समझ में नहीं आया। धीरे धीरे सब समझ जाओगे, बैठो। थैंक यू सर। बाय द वे, व्हाट इज योर टैलेंट? वेंट्रोलोकिज्म सर। मेट्रो के काम के लिए तुम इतनी दूर गए? मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंट्रोलोकिज्म। शायद आपको पता नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। प्यारे बाबू, इन्हें तो पता ही नहीं है। प्यारे बाबू, सर को गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग प्रसाद सर, हाउ डू यू डू। इस खेल के 2 लाख कौन देगा रे? ये क्या है मुन्ना जी, सारी बातें और रेट फिक्स होने के बाद ही डेट दी थी ना मैंने। हाँ। आप जानते हैं मेरा नाम वेंकटेश है, भगवान का नाम। मेरे साथ धोखा करने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। देखो हमारी भावनाओं से मत खेलो। पेमेंट ज्यादा है कहा, इज इट रॉन्ग? मेरे बारे में आप नहीं जानते इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जरा रुकिए, मैं दिखाता हूँ। जब आपको मेरा बैकग्राउंड पता चलेगा ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाद में देख लेंगे, पहले जूस पी लो यार। जूस का क्या है सर, एक बार आप सेटिस्फाई हो जाएं तो खाना भी खा लेंगे। पहले आप ये तो देखिए किस पर पैसा लगा रहे हैं। ये देखिए, ये मैं और ये मंत्री जी, इन्होंने क्या कहा पता है? बहुत बढ़िया शो दिखाया वेंकटेश, मेरा तो हांस हांस कर पेट दर्द करने लगा। इसी तरह लोगों को हंसाते रहना, बहुत जल्दी तरक्की करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो। राजशेखर जी ने क्या कहा पता है? अरे बेटा वेंकटेश, इस दुनिया में कितने मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, पक 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 पकाते रहते हैं, लेकिन तुम्हारा शो देखकर मैं लगातार हंसता 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 ही रह गया बेटा। इतना ही नहीं, मेरा मन खुशी से भर गया। तुम जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, ऐसा कहा उन्होंने। तुम मिमिक्री भी करते हो क्या? सिर्फ मिमिक्री नहीं करता सर, कविता लिखता हूँ, गाना गाता हूँ, और अपनी ड्रीम गर्ल को याद करते हुए मैंने जो गाना लिखा है, जहाँ भी गाऊंगा धूम मचाएगी सर। अच्छा? हाँ। सॉरी मिस्टर वेंकटेश, इतना टैलेंटेड होने के बाद भी आपका पेमेंट 2 लाख रुपए ही है, ये जानकर बुरा लग रहा है। क्या जूस पीजिए? आप बड़े हैं, पहले आप लीजिए। तुम बच्चे हो ना तो अब तुम पियो। नहीं नहीं वो नहीं, शुगर लेस है, ये लो। ओके थैंक यू। अब जरा इस पर साइन कर दो। साइन किस लिए सर? अरे एग्रीमेंट है यार। हाँ ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे बाद में पढ़ लेना, पहले साइन कर लो, तो शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। सामने गड़बड़ है, यहाँ भी गड़बड़ है सर। ये देखिए, आपने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है और यहाँ लिखा है सब क्लियर कर दिया। अरे बाद में देख लेंगे यार। नहीं आप अभी देख लीजिए, नहीं तो मेरे और आपके बीच में गलतफहमी पैदा हो जाएगी। अरे छोड़ने तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 नंबर यार। 2 नंबर पहले एग्रीमेंट फाइनल कीजिए, नहीं तो आपने कहा था ना कि मुहूर्त निकल जाएगा। अरे नया एग्रीमेंट बनाने में वक्त लग जाएगा। फिक्र मत कीजिए, एग्रीमेंट तैयार है, ऐसे मामलों में मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ये लीजिए एग्रीमेंट, साइन कीजिए। जरा रुके, अब क्या है, एक बार पढ़ तो लीजिए। अभी नहीं पढ़ सकता समझो यार, सिर्फ 24 पेज है। 24 पेज? हे भगवान, नहीं पढ़ सकता। नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए ठीक है। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे समझाने से। वेंकटेश इन्हें जोर से लगी है, जल्दी से साइन करा लो। कहा? अरे आराम से आराम से आराम से। हाँ यहाँ यहाँ। हाँ लगता है जोर से लगी। क्लास कैसे बदल गई? हाँ चाची, मैं वेंकटेश बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट में छोटी सी गलती रह गई थी। हाँ बाद में मैंने सब कुछ ठीक कर दिया था। तेरी शादी की बहुत फिक्र हो रही है बेटा। आप लोग मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल ही हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। हाँ वहाँ पहुँचते ही फोन करूँगा चाची। चाचा जी को भी कहना कि मेरी फिक्र न करें। हाँ, हाँ।